जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की, गुरु साहिबानों की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाती है। हमने पहले भी पिछले दिनों गोहाणा के अंदर कबीर जयंती मनाई थी, उससे पहले रविदास जयंती भी मनाई थी, वाल्मीकि जयंती भी, धनौरी के अंदर जैसे धन्ना जाट जयंती मनाने का काम किया। इसी कड़ी के अंदर आने वाली 20 तारीख को, 20 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती मनाई जा रही है। आज इसी का निमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ सिरसा में पहुँचा हूँ, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। और ये पहली बार है कि दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। मुझे कई जिलों के अंदर जाने का मौका मिला है, लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह है और मैं समझता हूँ कि 20 जुलाई को बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग जाकर के और वहाँ महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी की कार्यशैली है, हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चलने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, वहीं अगर विशेष रूप से मैं बैकवर्ड क्लास की बात करूं तो बैकवर्ड क्लास की जो पुरानी मांगे थी, खासकर लंबे समय से मांग थी बैकवर्ड क्लास की, एक तो क्रीमी लेयर की, कि क्रीमी लेयर की आय सीमा जो है वो 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की जाए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए, ये मांग पुरानी थी समाज के लोगों की, बैकवर्ड समाज की। और इसके अलावा भी जो पिछली सरकारों के अंदर जिस तरीके से खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस का सरकार रही, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे जो खासकर अगर जो सबके सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ तो बैकवर्ड क्लास के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके समय में नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, और बैकवर्ड क्लास में उसमें भी खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं BCA, उन लोगों के पास ना तो ज़्यादा राजनीतिक लोग होते हैं और ना ही उनके पास पैसा होता, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। जब भी कोई सरकारी वैकेंसीज निकलती थी तो जितनी नौकरियां निकलती थी, मान लो BCA की 40 वैकेंसीज निकली है, 5-7 लेकर के एक छोटी सी लाइन नीचे लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं, तो बैकलॉग रह जाता था। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने 23 जून को मीटिंग बुला करके गुड़गांव के अंदर ये घोषणा करने का काम किया कि जहाँ क्रीमी लेयर की आय सीमा हम 8 लाख कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, वहीं जो बैकलॉग है, जो कांग्रेस के समय में, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के समय जो अन्याय करने का काम किया, हमारे जो युवा है उनको नौकरी से वंचित करने का काम किया, उसकी भी भरपाई करने का काम करेंगे। जल्द ही प्रदेश के अंदर और जो नई नौकरियां निकाल करके जो बैकलॉग है उसको पूरा किया जाएगा, और जो HKRN है उसके अंदर भी 27% आरक्षण OBC का होगा, और जो Class 1 और Class 2 है उसके अंदर भी अभी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर भी जो OBC का आरक्षण है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को जो खासकर जो एक अनदेखी हो रही थी उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और मैं समझता हूँ कि आज नायब सैनी जी के साथ जिस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए हैं, चाहे पंचायतों के लिए, खासकर जो सरपंचों की मांग थी कि उनकी जो कार्य करने की जो है वो बढ़ाई जाए, उनकी पावर बढ़ाई जाए, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। अब जहां बिना टेंडर के पहले 5 लाख रुपए थे उसको 21 लाख रुपए कर दिया गया है, और कितने ही काम जो है गांव के अंदर सरपंच और पंचायत गांव की जो करवा सकती है। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी मैं लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी, जिस तरीके से
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। इसी तरीके से एक बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार रिपीट करेगी। देखिए, जहां लोकसभा की बात है, अगर लोकसभा के चुनाव की अगर देश भर की आप बात करें, तो जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर लगातार 50 साल से ज्यादा राज किया, उन लोगों की सीटें 3 अंकों में भी नहीं आई, केवल 99 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई है। और एक 1962 के बाद में रिकॉर्ड है कि तीसरी बार लगातार किसी एक पार्टी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को खुश हो रहे हैं कि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वो उसकी 400 सीटें नहीं आई। अगर ये लोग इस बात में खुश हैं तो ठीक है, हम भी खुश हैं, हमारी सरकार बन गई और ये इस बात में खुश है कि इनकी 99 सीटें आई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी तो ये कह रहे थे हमारी तो 10 सीटें आएगी, क्लीन स्वीप करेगी, कहीं आई क्या? हमारी तो 5 सीटें आज भी आई है। देखिए, जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं समझता हूं कि ये तो पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और इसीलिए उनको उनके अपने जो बड़े बड़े नेता है वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो कार्य इस टाइम पे हुए वो कभी नहीं हुए। क्या आपने सुना था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों का फ्री किया जा रहा है, जहां देश भर में 1,20,000 की बीपीएल की जो आय सीमा है वो 1,20,000 है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसलिए हमने उसको आय सीमा जो है हमारी सरकार ने 1,80,000 रुपए करने का काम किया, हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके। और इसी तरीके से अगर किसानों की हम बात करें तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 14 फसलों पर हम जो है MSP देने का काम कर रहे हैं। जो फसल सरकार नहीं खरीदती उस पर भावांतर भरपाई दे करके किसान की भरपाई करने का काम करें। केवल और केवल हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ये कार्य हो रहा है, चाहे हैप्पी कार्ड की बात हो, गरीब लोगों को हमने फ्री बस यात्रा भी करने का काम किया है, तीर्थ यात्रा भी शुरू करने का काम किया है, 70 साल से जो बड़ी उम्र जो वो कोई भी इनकम ग्रुप का आदमी हो सबकी जो है 5 लाख रुपए तक का उसका फ्री इलाज किया जाएगा। जिन लोगों की आप बात करें वो ग्रामीण या किसान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। उनकी तरफ से लेटर माननीय स्पीकर साहब को दिया गया है और अगर कोई भी विधायक विद इन हाउस अगर व्हिप की कोई उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बाहर का उन्होंने अभी उन्होंने एप्लीकेशन दी है और उसके लिए स्पीकर साहब उस जो विधायकों के खिलाफ जिनके खिलाफ आरोप लगाया है उनका भी वर्जन जानेंगे, तो तथ्य क्या है, तथ्य देख करके उसके बाद में उस पर फैसले लिए जाते हैं। किसने कही? आजाद विधायक रहते हुए मिनिस्टर बने नहीं, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने उसी समय पे विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसके ऊपर उनके ऊपर तो कोई और कुछ बनता नहीं। जब उन्होंने आज वो विधायक नहीं है, मंत्री हैं, 6 महीने तक बिना विधायक भी मंत्री रह सकते हैं। पहले अक्सर सुनने में आता था कि राज्यसभा की टिकट मुझे दे दो, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरे ले, ये कहावत कैसे चेंज हो गई है? देखिए, कि राज्यसभा के हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, जब राज्यसभा के पूरे नंबर नहीं है तो स्वाभाविक है कि सरकार अल्पमत में कहाँ से आ गई, तो ये इस टाइप की केवल और केवल भ्रम में डालने के काम करते हैं। राज्यसभा का तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, कोई भी उम्मीदवार जो भी होगा, समय समय के ऊपर कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर बदलाव किया जाता है और लोगों की मांग पे अगर कोई जब लोग मांग करते हैं तो उसमें चेंज किया भी जाता है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग सर्वोपरि है, ये लोगों की मांग के ऊपर कुछ एक चेंज किए जाते हैं, कुछ सारी चीज़ें चेंज नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल बडोली जी को बनाया गया है, एक बहुत ही अनुभवी नेता मोहन लाल बडोली जी हैं, जिनके पास विधायक का भी अनुभव है, संगठन का भी लंबे समय का अनुभव है, महामंत्री वो अब थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। विपक्षी दलों के पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए वो इस उच्च स्तर पर जो है जातिगत स्तर पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, ना तो क्षेत्रवाद ना कोई जातिवाद, सारे के सारे हरियाणा एक, हरियाणा एक का नारा देकर के, और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने सरकार चलाने का काम किया था, अब उसको आगे चलाने का काम जो है उसको और आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी कर रहे हैं। किन मुद्दों पे विधानसभा चुनाव रहेगा भाजपा का? केवल और केवल विकास का मुद्दा, जो हमने 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए, लोगों के अंदर हमें
उन्हीं चीजों को लेकर के जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहाँ तक किसानों की बात है, मैंने पहले ये कह दिया कि अगर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो और चाहे स्टेट की बात हो, हरियाणा की, तो सबसे ज्यादा अगर किसी एक वर्ग के लिए कार्य किया है सरकार ने तो किसानों के लिए किया है। अब एमएसपी पे फसल भी खरीद रहे हैं, भावांतर भरपाई देने का भी काम कर रहे हैं, और सेंटर ने भी प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू करके किसानों को राहत देने का काम किया है। समूह बॉर्डर खाली कराने के लिए सरकार क्या यत्न करेगी? तो अभी इस पर कोई फैसला आया तो उस पर कोई बातचीत करेंगे, बाद में बताएंगे जैसे भी।